चाइना के हवाले से दो अहम खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि चाइना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का कामयाब तजर्बा किया है। ये तारीख में चाइना ने पहली मर्तबा किया है, और तारीख में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस तरीके का कोई काम अभी तक किसी ने किया नहीं। लोग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, चाइना ने उसको सक्सेसफुल टैकल करने का तरीका भी ढूंढ निकाला है। और दूसरी खबर यह है कि ताइवान के ऊपर चाइना अटैक करने वाला है। एक इनकी कॉल रिकॉर्ड जो है वो लीक हुई है, और वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो किसी पीएलए के अहम कमांडर की है, जो ये बात कर रहे हैं कि हम चाइना वाले ताइवान के ऊपर अटैक करेंगे और बड़ी तादाद में फौज लेकर जाएंगे। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। सामने कदर बात यह है कि चाइना ने ताइवान के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स की हैं। डेवलपमेंट ये है कि चाइना ने कुछ अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस ताइवान के पानियों के अंदर की है, और चाइना के एक पीएलए के कमांडर की एक कॉल भी लीक हुई है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम 1,40,000 फौजियों के साथ ताइवान के ऊपर अटैक करेंगे। इसके अलावा चाइना वाले जो है 20 फौजी अड्डों का इस्तेमाल करके ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 953 जहाजों की मदद से, यानी 953 फाइटर जेट की मदद से जो है एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 1650 के करीब जो है ये ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें टैक्टिकल इन्वायरमेंट की, तो वो भी इनके साथ होगा। ब्लड बैंक ये बना रहे हैं, चाइना वाले इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना वालों ने जो है हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल ताइवान के इसी तनाजुर को लेकर। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने इस हवाले से ताइवान के लिए एक मुकम्मल प्रिपरेशन की है। जिस तरीके से ताइवान और अमेरिका की दोस्ती बढ़ रही है, वैसे वैसे चाइना भी अपनी तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि ताइवान को कैप्चर करने के लिए कोई ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट हो जिसको लेकर चाइना एक जवाब बनाकर इनके ऊपर अटैक कर दे। और अमेरिका ऑलरेडी कह चुका है कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है तो उसका भरपूर जवाब अमेरिका देगा। अमेरिका के बहुत सारे बहरी बेड़े जो है वो चाइना को वो टैकल करने के लिए ताइवान के पानियों के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ चाइना के जो वारशिप हैं ये ताइवान के पानियों के अंदर जाके जो है वो मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। अहम खबर यह भी है कि चाइना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को घिराने का कामयाब तजर्बा किया है। इसका मकसद यह है कि चाइना वाले जो है वो अपने आप को टोटली सेफ करना चाह रहे हैं, कि अगर बिलफर्ज अमेरिका वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अपने मुल्क से मिसाइल फायर करके चाइना के किसी शहर को हिट करते हैं, तो चाइना उसको भी टैकल कर पाए। ये चाइना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है।